मित्र, आप सबसे पहले देखेंगे तो जो गाड़ी का लुक है, डिजाइन है, आपको पता है कि बजाज है तो बजाज की गाड़ी फर्स्ट क्लास ही होती है। आपको एक बहुत बड़ा सा ग्लास मिल जाएगा सामने में, इसमें आपको सिंगल वाइपर मिलेगा, दो आपको साइड ग्लास मिलेंगे, बहुत बढ़िया बड़े साइज के साइड ग्लास है, और एक सिंगल वाइपर मिलेगा जो कि आपकी ऑटो रिक्शा का पूरा ग्लास अच्छी तरह से साफ कर सकता है। आपको सामने में दो हेडलाइट मिल जाएंगे, हेडलाइट बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। इसका जो डिजाइनिंग है, फैसिलिटी है, आपको पता है कि एक नंबर है। इंडिकेटर मिल जाएंगे, गाड़ी एकदम न्यू है, अभी नंबर प्लेट इस पे नहीं लगी हुई है, तो ये नंबर प्लेट की जगह मिल जाएगी। एक सपोर्टर लगा हुआ है, इससे क्या होगा कि जो आपका फाइबर का बना हुआ है ये आपका खराब नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। ये टायर आपका है 12 इंच का मिलेगा, ट्यूबलेस रेडियल टायर मिलेगा, सिंगल शॉक और स्क्रीन वाला, और एक सपोर्टर के साथ में ये गाड़ी आती है भाई। इसका जो अब मैं पीछे का लुक दिखाता हूँ कि पीछे देखने में कैसी है। पीछे आप देखेंगे तो टायर के ऊपर भी सपोर्टर लगा हुआ है, और पीछे एक चैनल लगा हुआ है, ये देख सकते हैं पायादान। इसमें क्या होगा कि अगर कोई डायरेक्ट आपकी गाड़ी को ठोकता है तो गाड़ी को डायरेक्ट नुकसान नहीं आने वाला है, डायरेक्ट कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मित्रों, पीछे आपको पार्किंग लाइट, इंडिकेटर, ब्रेक लाइट, और जब गाड़ी आप रिवर्स करते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे लाइट दी हुई है। इसके अंदर आप देख सकते हैं बजाज की ब्रांडिंग मिलेगी, बजाज आरी का लोगो मिल जाएगा, ईटेक 9.0, और ब्रेक लाइट के ऊपर भी जाली मजबूत लगी हुई है, कोई भी पत्थर वगैरह मारेगा तो आपकी गाड़ी में लाइट, ब्रेक लाइट को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, डैमेज नहीं होने वाली है। पीछे का टायर आपको MRF कंपनी के बड़े टायर मिलेंगे, ये किसी भी रोड में कहीं भी किसी भी जगह पे जा सकते हैं, गांव हो, देहात हो, ऊबड़ खाबड़ रोड हो, या किसी भी जगह आप इसे चला सकते हैं। अंदर देखेंगे तो उस्ताद ने शायद सीलिंग अलग से बनवाया हुआ है, जो भी है इसकी मिलेगी आपको पूरी जानकारी, और बहुत ही बढ़िया इसकी जो फिनिशिंग है सीलिंग की वो लगी हुई है। पीछे इन्होंने एक सपोर्टर ही लगवाया हुआ है, इससे क्या होता है कि लखनऊ में ज्यादा पुलिस वाले डंडा मारते हैं तो ये खराब नहीं होगा, फटेगा नहीं, इसके लिए लोहे की पट्टी लगवाई गई है। और इसकी जो सीट है भाई, काफी शानदार सीट है, बड़ी सीट है। इसमें क्या होता है कि आप 3 सवारी की पासिंग मिलती है, आप 4 सवारी बैठा सकते हैं। इसकी जो आगे की जानकारी है हम उस्ताद से बात करेंगे और पूछेंगे कि अगर उन्हें गाड़ी में क्या कमी दिख रही। सर जी नमस्कार, आपका नाम क्या है? हमारा नाम दीपक भंडारी है। दीपक भंडारी जी। अच्छा भंडारी जी, आप कितने दिन से चला रहे हैं बजाज की ऑटो? बजाज की ऑटो तो हमको हो गए करीब 20 साल। 20 साल हो गया जी। हाँ, तो आपने डीजल भी चलाई होगी, CNG भी चलाई होगी? CNG पेट्रोल दोनों चलाई है। अच्छा जी। तो जैसे अभी आप इलेक्ट्रिक वाली चला रहे हैं जी, तो ये गाड़ी को लेके कितने दिन हो गए? ये गाड़ी को अभी मेरे को 7 दिन हुए। 7 दिन हुआ है जी। हाँ जी। तो जो 7 दिन का आपका तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, वो कैसा लग रहा है? अनुभव तो बेस्ट है वैसे, इसमें माइलेज भी अच्छा है। अच्छा। बस इसमें थोड़ा बैटरी का जो पावर है इसका 145 ही दिखाता है, लेकिन जो कंपनी बताती है 173। अच्छा। वो नहीं है सर जी इसमें। अच्छा। डेली चार्ज करते हैं तो 145 में जाके स्टॉप हो जाता है 100%। अच्छा। तो जैसे कि कंपनी जो उसको अप्रूवल पास की है 3+1 जी जी, 3 सवारी एक ड्राइवर के साथ में 178 किलोमीटर जी जी एक चार्ज में चलेगी जी, बराबर है? लेकिन ऐसा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है जी, नहीं। अच्छा, तो आप कितने किलोमीटर अभी चला लेते हैं इसको? एक चार्ज में करीब चलता है सर जी ये 140-141 ऐसे चलता है सर जी। अच्छा, 140 किलोमीटर के आसपास चल जाता है जी। हाँ जी। ओके, तो आप इसको चार्जिंग कहाँ करते हैं? घर पे करते हैं? घर पे करते हैं, घर पे करते हैं सर। तो घर पे जब आप चार्ज करते हैं तो आपने इसका जो ग्राउंड अर्थिंग बोर्ड वगैरह वो आपने अलग से लगवाया? अलग से लगवाया, उसका चार्ज अलग दिया गया। अच्छा, इसका जो चार्जर वगैरह तो साथ में लेकर चलना नहीं पड़ता है? नहीं नहीं नहीं, वो झंझट तो नई कंपनी ने खत्म कर दी है, आपको चार्जर फिक्स करके दे रही है, वो टेंशन नहीं है जी। इसमें जो फैसिलिटी है कि गाड़ी रीचेबिलिटी सिस्टम है, चलते चलते चार्ज हो जाती है, थोड़ी बहुत होती है सर जी। इतना आपको बैकअप मिल पाता है? बैकअप है 4-5 किलोमीटर का बैकअप मिलता है। 4-5 किलोमीटर जी। हाँ जी। तो उससे कोई ज्यादा फायदा नहीं हो पाता? फायदा नहीं है सर जी। अच्छा, जैसे कि गाड़ी का जो साइज है जी जी,
तो आप क्या चाहते हैं कि गाड़ी का साइज ठीक है कि कोई बड़ी होनी चाहिए? एकदम सही है सर जी, साइज सही होने में, बड़ी होने में ये दिक्कत आएगी सर, बड़ी तो आपकी आप की भी आ रही है, लेकिन वो सिटी के अंदर से सिटी के अंदर के लिए बेकार है, ये छोटी गाड़ी है बजाज की। अच्छा, और ये हर जगह निकल जाती है, चाहे छोटी जगह हो। अच्छा, आराम से उसमें पास तो यानी कि ये छोटी गाड़ी जो साइज, इसमें फायदा है कि आप इसे कहीं भी, सकली गली हो छोटी गली हो, आप इसे कहीं भी चला सकते हैं। जी 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 जी। और जो बड़ी गाड़ी है जैसे महिंद्रा है, महिंद्रा प्याजो है, वो ज्यादा चौड़ाई है, वो अटक जाती है, अटक जाती है सर, जाम लग जाता है, भीड़ भाड़ में नहीं जा पाती। जी जी जी। अच्छा, गाड़ी की कीमत क्या है, अपने को कितने में गाड़ी पड़ गई अभी? ये 352 है, 3,52,000। 3,52,000 आपने नगद में लिया कि फाइनेंस करवाया? जी फाइनेंस कराया सर, फाइनेंस करवाया है। नगद में कीमत है 3,52,000। जी हाँ जी। वारंटी कंपनी ने क्या दिया है? 5 साल की दी है सर जी, 5 साल बैटरी गारंटी है, या 1,20,000 किलोमीटर, 1,20,000 किलोमीटर जी जी, या फिर 5 साल, 5 साल दोनों में से जो भी हो जाएगा पहले वारंटी आपकी खत्म हो जाएगी। अच्छा, इसका जो चार्जर है, मोटर है, कंट्रोलर है, जी जी, उसकी वारंटी कंपनी ने क्या बताया है? उसकी वारंटी तो कुछ नहीं बताया, चार्जर मोटर कंट्रोलर की वारंटी नहीं बताया, कोई गारंटी नहीं। चल, कंट्रोलर की वारंटी 1 साल की रहेगी। अच्छा जी। 1 साल के भीतर अगर खराब होगा तो कंपनी आपको वारंटी में रिपेयरिंग करेगी या रिप्लेस करेगी। जी ओके सर। और बाकी गाड़ी चलाने में आपको कैसा लग रहा है, थकावट वगैरह लग रही है? थकावट नहीं है, आराम है, उससे बजाज की जो CNG है उससे इसमें थोड़ा आराम है, आराम है, आराम। बस स्पेस जो है आगे थोड़ा कम है, थोड़ी निकलने में। अच्छा, थोड़ा आगे स्पेस कम है, स्पेस कम है इसमें सर। अच्छा, जैसे आप बैठ जाते हैं तो निकलने आने जाने में थोड़ा दिक्कत आती है। अच्छा, और बाकी और क्या कमी है गाड़ी में? ये जैसे अब हमको डिग्गी में गए, लंच बॉक्स रखना है या कोई डॉक्यूमेंट रखना है, तो उसके लिए सर जी इसमें स्पेस नहीं दे रखा, जैसे आपके CNG में था इसमें एक बॉक्स बना लेते थे, स्टेपनी के बगल में बॉक्स बन जाती थी, उसमें अपना रख सकते थे सामान, लंच बॉक्स जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है वो रख सकते, इसमें जी सेफ रहता था, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं। जी जी। अच्छा, इसमें ऊपर छोटी सी जो डिक्की दी हुई है, जी जी, उसमें क्या आप ये सेफ नहीं है सर जी, लेकिन अच्छा, सेफ नहीं है, भी निकाल सकते हैं। ओके, ओके। इसमें हम लोग इसमें पीछे लॉक कर सकते हैं, लॉक अच्छा, बना लॉक सकते कर सकते जी, हाँ जी। तो ये कंपनी को इसमें अपडेट करना चाहिए, जी जी, इसमें कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि आपके जो पर्सनल चीजें हैं, डॉक्यूमेंट्स, अगर आप उसको सेफ रखना चाहते हैं जी, हाँ, लॉक वगैरह करके जी जी, तो वो सेफ रहे। जी हाँ जी। तो कंपनी से मैं अनुरोध करूंगा कि ये कमी को जल्द से जल्द दूर की जाएगी। बाकी गाड़ी में आपको और कोई कमी दिख रही है? कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, बस यही एक दो कमी है जी जी, जो कि थोड़ा सा गाड़ी की साइज कम है, आगे स्पेस कम है जी जी जी, तो थोड़ा दिक्कत होती है बैठने निकलने में जी जी, और रेंज थोड़ा कम है जी, है ना, रेंज कम है सर जी, हाँ, रेंज थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। जो ये बताते हैं कि 178 ऐसा नहीं है सर, ये 141 समथिंग। अच्छा, बस इससे ज्यादा नहीं चलती है। और बाकी और कोई दिक्कत नहीं? और कोई दिक्कत? तो गाड़ी से अभी आप कितने खुश है? गाड़ी से तो मैं एकदम एकदम फर्स्ट क्लास, कोई एकदम फर्स्ट क्लास। हाँ सर जी। जैसे अगर कोई गाड़ी को खरीदना चाहता है जी जी, तो आप उसके लिए क्या संदेश देंगे कि वो कौन सी गाड़ी भेजते हैं अभी? आज की ही देंगे उनको कि बजाज की गाड़ी ले, बजाज की गाड़ी ले, बेस्ट है। और ये बजाज एक नाम भी है, बजाज आज का नहीं पुराना है सर जी। अच्छा, बजाज की कोई भी चीज, आप स्कूटर ले लीजिए, बजाज की प्रिया ले लीजिए, बजाज वेस्पा ले लीजिए, सब अच्छा एकदम फर्स्ट क्लास। तो आपके हिसाब से बजाज ही सबसे बेस्ट है? जी हाँ सर। ओके, और बाकी और कोई दिक्कत नहीं है? जो मार्केट में बहुत सारी कंपटीशन में गाड़ियां आई है, पियाजो है, महिंद्रा है, मोन्ट्रा है, TVS है जी, हाँ जी, और कनेटिक है, एक्साइड है, बहुत सारी गाड़ियां आ चुकी है, लेकिन आपको ये सभी गाड़ियों में बेस्ट लग रही है बजाज की? एकदम एकदम सर, बजाज की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद सर जी। ओके ओके। तो मित्रों, ये जो सर जी है लखनऊ में चला रहे हैं, लगभग 8 से 10 दिन हुआ है इनको ये बजाज की इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा लिए हुए। इनका जो फीडबैक है काफी शानदार है, इन्होंने जो एक दो कमी बताया है वो कमी कंपनी दूर करने की कोशिश करेगी। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके समझ में आई होगी। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं खत्म, मिलेंगे फिर एक अगली वीडियो में नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।